हाय दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज मेरा दूसरा दिन है हॉस्पिटल में। तो मैं अभी फ़िलहाल, डॉक्टर ने मुझे वॉकर से चलने के लिए बोला, वो भी फुल वेट के साथ नहीं, बोला कि मैक्सिमम आप 50% वेट डाल सकते हैं। और ये दूसरे दिन में मुझे फिजियोथेरेपी भी किया गया था मेरा, ये डॉक्टर साहब मुझे बता रहे हैं। डॉक्टर नहीं है ये, फिजियो वाला है, फिजियोथेरेपी जो कराते हैं। वो आके मुझे बता रहा है भाई आपने कैसे कैसे एक्सरसाइज करने हैं, तो मैं उसी को फॉलो करके ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ। ये तो मुझे पहले ही पता था, क्योंकि जिस वक्त सर्जरी हो गया था तो उस वक्त भी यही एक्सरसाइज थे और अभी भी यही करने हैं मैंने। तकरीबन ये एक्सरसाइज मुझे 15 दिन तक करने हैं, ऐसे पाँव को ऊपर नीचे करना है, साइड लेफ्ट राइट करने हैं, ऐसा मुझे 15 दिन तक करना है। मतलब दिन में 4 मरतबा हो, 5 मरतबा हो, इससे क्या होगा मेरे मसल बंद नहीं हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों, एक्सरसाइज आपने हर हाल में करने हैं, दिन में 4 मरतबा हो, 5 मरतबा हो, आपने एक्सरसाइज करनी ही है। और दोस्तों, आप में से बहुत से भाइयों ने रिक्वेस्ट किया था कि भाई फात भाई आपने अपना एक्सरे क्यों नहीं भेजा। तो दोस्तों, ये मेरा एक्सरे रहा, आप देखें एक्सरे में बिल्कुल हड्डी ओके है। तो दोस्तों, एक्सरे उस दिन इसलिए नहीं भेजा क्योंकि मेरा पाँव जो है ना वो सुन किया हुआ था, इसलिए जब तक मेरा पाँव मैं मतलब फुल होश में नहीं आया था मैं उस दिन, इसलिए मैं जो है ना एक्सरे देर से किया। रात के 9:30 बजे मेरा एक्सरे किया गया था। तो आप एक्सरे देखें, हड्डी बिल्कुल ओके, सिर्फ ये होल्स हैं जो स्क्रू निकाले गए थे वहीं भर जाए, उसके बाद फिर कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप जितना चाहें वज़न उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये 15 दिन आपने थोड़ा बहुत रेस्ट करना है, वेट बिल्कुल नहीं डालना है। अगर डाल सकते हो तो 50% वेट डालना है, मैंने वॉकर के साथ चलना है। उसके 15 दिन के बाद मैं जितना चाहूँ वज़न दे सकता हूँ, सिर्फ बॉडी का वज़न, बाकी एक्स्ट्रा वज़न है उसके डॉक्टर ने मुझे 3 महीने के बाद बोला है। तो दोस्तों, आज मेरा दूसरा दिन है हॉस्पिटल में, हो सकता है कल सुबह डिस्चार्ज कर दे। ऐसे डॉक्टर बोल रहा था भाई आपका जो ना कल एक बार ड्रेसिंग करके उसके बाद आप फिर मुझे डिस्चार्ज कर देंगे। तो ये मेरा प्लेट देख सकते हैं, इसके सारे स्क्रू हैं वो रिमूव कर दिए गए थे। एक स्क्रू पे मुझे डाउट था यार, डॉक्टर बोल रहा था शायद वो ना निकले, क्योंकि वो है ना प्लेट को नहीं लगा हुआ था, खाली हड्डी में मतलब खाली लगा हुआ था। तो उसका मुझे बहुत डर था, इतना टेंशन था कि सर्जरी के टाइम मैं जब आधा सुनता तो मैं पर्दा उठा के देखने लगा था। तो डॉक्टर ने मुझे मना किया, अगर नहीं देखो तो। दोस्तों, डॉक्टर ने मुझे सिर्फ 6 हफ्ते के लिए दवाइयाँ दी हैं, बोले 6 हफ्ते तक आप ये दवाइयाँ खाएं, 6 हफ्ते के बाद आप मैं टेबलेट सब कुछ अपना बंद कर दूंगा मैं। ये इसलिए भाई कि ज़्यादा जो है ना विटामिन की दी हुई है, ताकि ये होल्स जो है ना जिनमें स्क्रू वगैरह लगे हुए थे वो जल्दी ठीक हो जाए, उसके बाद फिर कोई टेंशन नहीं है। तो मेरे दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। तो अगला वीडियो हम अपने घर में बनाएंगे, चलते वक्त मैं कैसे चल रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।